मनजीत सिंह राय स्टेट प्रेजिडेंट भारतीय किसान यूनियन दुआबा। अज जी एस के एम की कॉल से लखीमपुर खीरी पक्का मोर्चा लगन जा रहा है 18, 19, 20, 21 उहदे वास्ते अज पंजाब तो जथे रवाना होने हैं। बहुत सारे साथी साढ़े जिहड़े आ उह ट्रेना जा रहे हैं, साडी भारतीय किसान यूनियन दुआबा वालों भी कुछ साथी ट्रेन जा रहे हैं, तो कुछ जिहड़े साथी साढ़े आ उह अज इत्थों अपने वाहीकलां ते गड्डियां ते जा रहे हैं, कुछ टैंपू ट्रैवल जा रही हैं, कुछ बसा जा रही हैं। सो अज असी भारतीय किसान यूनियन दुआबा ने इतों हुण तुरना है फगवाड़ा, जिथे साडा अणमिथे समय लिए धरना चल रहा गन्ने के बकाए नूं लैके इतों चलन लगे हैं, तो कुछ साथी साढ़े जिहड़े उह शाम नूं ट्रेन च बहणगे, उह ट्रेन च आउणगे। सो ये जथा जिहड़ा लखीमपुर खीरी वास्ते हुण रवाना हो रहा है, सारे जथे अज आणे आ। अज तुसीं वेखोगे कि पंजाब तो शाम को ट्रेना भरिया जाएगियां सारिया लखीमपुर खीरी नूं, और बड़ा कट जिहड़ा लखीमपुर खीरी असी करन जा रहे हैं इस कैंप वालों। सो पंजाब वालों ये गल आखी गई थी कि 10,000 असी संख्या दे विच भेजांगे किसान, वो सारे अज जा रहे हैं। देखो मेन मंग साडी है, पहली मंग है कि अजय मिश्रा टहनी जिस दे लड़के आशीष मिश्रा टहनी ने साडे निर्दोष निहत्थे किसानों के उपर गड्डियां चढ़ा के उन्होंने कुचल दिता सी, उन्होंने बर्खास्त किया जाए, क्योंकि अज भी वह मंत्री पद पर बैठा है केंद्र दे विच, बीजेपी अज भी वो सपोर्ट कर रही है। जिन्ना चिर वह मंत्री पद पर बैठा है तो इंसाफ की की असी आशा कर सकते हैं। सो इस करके वो बर्खास्तगी, और कल्ली बर्खास्तगी नहीं, 120 का उत्ते परचा भी है, उन्होंने चक के अंदर जेल डकया जाए। सैकेंड दूसरी साड़ी मंग है कि साडे जिहड़े साथी अंदर डके हुए हैं, सरकार उन्हां दी पैरवाई कोई नहीं करती, सरकार उल्टा उन्होंने होर परेशान कर रही है। साडी जुडिशली का हाल देख लो, जिहड़ा आशीष मेरा टहनी है साढ़े किसानों कुचलन वाला गड्डिया चढ़ा के एन प्लैन करके पहला तो बोल के उसनों तो जमानत मिल जाती है, तो जेडे हजूम दे विच कोई साथियों के कोलों कुटमार दे विच साथी जिहड़े जिहड़े उन्होंने बीजेपी के साथी जिहड़े सीगे चले गए, मैं समझदा भई असल दे विच वो गुस्सा सी, वो क्रोध सी साढ़े लोगों के गुस्सा सी, और वह दोषी मारे गए उत्थे जिन्होंने गड्डियां चढ़ाइया। फिर भी साढ़े जिहड़े अंदर डके हुए हैं उन्होंने हाले तक जी जमानत वास्ते भी तरीक अगे तो अगे पाई जा रही है। सो ये साड़ी जुलीजला हाल है, ये साड़ी मंग है कि उन्होंने तुरंत रिहा किया जाए, जल्द तो जल्द रिहा किया जाए। तीसरी मंग साड़ी है MSP जी कमेटी बनाई है, वह कमेटी को भंग किया जाए, SKM ना मीटिंग करके दोबारा जी कमेटी है वह गठन किया जाए। सो वह ये साड़िया सारिया मंगा ने। सो ये मंगा तो अज असी जिहड़ा लखीमपुर खीरी नूं जिथे रवाना कर रहे हैं। ये चल रहा सा निरंतर साड़ी जथेबंदी भारतीय किसान यूनियन दुआबा जिहड़ी पंजाब दी 31 जथेबंदियां उन्होंने कहा कि तुसीं इस मोर्चे को संभालो। साड़ी अज बड़ी संख्या जानी सी, साडा 1,000 का जत्था जाना सी इत्थों, पर असी उन्होंने सानू कहा भी तुसीं इह मोर्चा चलाओ, इस करके अज 1,000 की जगह 100 का जत्था साडा जाएगा। कुछ हुण गड्डियां च जाणगे साढ़े 50-60 साथी, तो बाकी जिहड़े आ शाम नूं ट्रेन च जाणगे साढ़े साथी। सो ये जिहड़ा साडा जथा आ सानू ये छूट मिली है, क्योंकि यह मोर्चा चल रहा सरकार दे अगेंस्ट। जिन्ना चिर सरकार वो जमीन उन्हां दी बेच के साढ़े खात्या च पैसे नहीं पाउंदी उन्ना चिर यह मोर्चा निरंतर चलेगा। बिल्कुल जा रहे हैं जी, जा रहे हैं। 25 तरीक का कोई प्रोग्राम है इत्थे? बिल्कुल इत्थे बड़ा कट किया जाएगा 25 तरीक नूं, क्योंकि जिहड़ी सरकार गूंगी बोली है ये कह देंगे ने। उदन खेतीबाड़ी मंत्री ने कहा कि तुम कल चल जाओ DC के कोल कपूरथला को, तुहाडी कार्रवाई शुरू हो जाऊगी, पर हाले उत्थे दा उत्थे ही कोई कार्रवाई नहीं चली, कोई कुछ नहीं होया। ये सरकार जिहड़ी आ कहिंदी कुछ आ करदी कुछ है, सो इन्हां दीआं गल्लां झूठियां ने सारियां, और इन्हां दा जिहड़ा अमला इहदे अफसर इन्हां दा महकमे जिन्ने आ सारे मैं जां तां इन्हां दे कहिणे च नहीं, ते जां इह जाणबुझ के लोकां नूं खराब खजल खुआर कर रहे आ। सो इस करके साढ़े साथी इत्थे बैठे आ, सरदार कृपाल सिंह जी मूसापुर साढ़े सीनियर मीत प्रधान ने, इत्थे दी जिम्मेवारी इन्होंने चकी है, ये हुण राबता करनगे सारे अफसर ना चंडीगढ़ वालेयां नाल भी करनगे, जे नहीं तो फिर 25 नूं असीं वो पिछे जाके बिल्कुल चंडीगढ़ वाला जिहड़ा हाईवे जाम करांगे, और उधर नूं वड्डी कॉल देवांगे पूरे पंजाब दीआं ट्रेनां रोकणियां जां पूरे पंजाब दे टोल रोकणे आ। उह असीं फिर 25 तरीक नूं 31 दी मीटिंग करके इह तों वी वड्डा एक्शन देवांगे। साडी जथेबंदी वल्लों इक जथा हुण अपनियां गड्डियां राहीं लखीमपुर खीरी जा रिहा, बाकी सज्जण साडे शाम नूं बाय ट्रेन जाणगे। लखीमपुर खीरी संयुक्त मोर्चे वालों वो किसानों इंसाफ दवाउण वास्ते इस जालम सरकार के खिलाफ बड़ा रोस प्रदर्शन, जिस दे विच एक मिश्रा
केंद्रीय गृह राज मंत्री ने एक साजिश के तहत ब्यौतबंदी नाल अपने लड़के राही प्रदर्शन कर रहे किसानों नूं कुचलिया सी। उन्हां ते हजे तक मिश्रे ते उहदे लड़के ते कोई बनदी ढुकमी कार्रवाई नहीं होई। उस कार्रवाई नूं कराउण लई MSP कमेटी जिहड़ी सरकार ने अपनी मर्जी नाल बनाई है, जिहदा साडे नाल दिल्ली वादा कीता सी, उस कमेटी नूं रद्द करके संयुक्त मोर्चे चों नवीं कमेटी बनाउण वास्ते यूपी वास्ते वड्डा काफला इत्थों चल रहा, वो तैयारियां आ जी थोड़े मिनटां तक चल पएगा। गल की जाए तो काफ़ी टाइम उसे प्रोटेस्ट भी हो चीज़ को लैके तो काफ़ी समा भी पै गया कि सरकार गलबात चली सी ताड़ी? सरकार गलबात निरंतर करन दी कोशिश करते हैं। अप्रैल दे विच भी साडा वफद गया सी, उदण भी सरकार ने भरोसा दिता सी, लेकिन सरकारां हमेशा ही ये धक्का कर दियां पे मीटिंगां च धरनियां च वादा कर दियां, वो ते अमल नहीं हुंदा। जिस तरह आ साडे नाल फगवाड़ा मिल दे मसले ते साडे नाल बार बार मीटिंगां दे विच वादा कीता जांदा है, लेकिन उहनूं अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा। हुण भी 12 तरीक नूं मंत्री जी आए सी, रोस प्रदर्शन करन दे बावजूद जिहड़ी गल कह के गए आ हजे भी वो कार्रवाई सानू नपेरे चढ़दी नहीं दीदी। उहदे लई सानू जिन्ना भी संघर्ष करना पिया, 25 नूं वड्डा संघर्ष करना पिया, अगर कार्रवाई नहीं हुंदी तां 25 नूं वड्डा संघर्ष करांगे। लोड़ पई उदों नूं जो संयुक्त मोर्चा मीटिंग करके अगला फैसला लेगा, उदां दी रूपरेखा अगली होर तैयार की जाऊगी। जिन्ना चिर इस मिल दा जिन्ना किसानां दा एक एक पैसा लगभग 150 करोड़ रुपया समेत ब्याज किसानां दे खातियां 'च नहीं आ जांदा, इह मिल चलाउण दा पूरा प्रबंध नहीं हो जाता, उन्नी देर तक साडा धरना निरंतर जारी रहेगा। जी गल की जाए अगर लखीमपुर जड़े धरने तो बाद भी सरकार वालों कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो अगला कदम क्या होगा किसान? देखो वो संयुक्त मोर्चे वालों जिवें दा फैसला होएगा, उस मोर्चे का फैसला होएगा, जो मीटिंग करके सारे आगू फैसला करेंगे वो अगली रूपरेखा मीटिंग तैयार हो। पिछले समय लखीमपुर खीरी के साडे किसान भरावां ते उत्थे दी BJP सरकार ने बहुत अत्याचार किया, साडे कई किसान वीर निर्दोषियों नूं अंदर जेलां विच डक्किया, जो किसान साडे शहीद हो गए से उन्हां नूं भी इंसाफ नहीं मिलिया। उन्हां वीरां किसान वीरां नूं इंसाफ दिवाउण लई अज इत्थों पंजाब तों वड्डे काफले जा रहे ने। भारतीय किसान यूनियन दुआबा का भी वड्डा काफला फगवाड़े तों जा रहा जी, जो जिवें साडे गांह वाले सर्कल ने फलौर सर्कल ग्रायां सर्कल लुधियाणा सर्कल वो गांह तों गांह काफलियां दे रूप च साडे नाल रलणगे। तकरीबन बाद दुपहर शंभू बॉर्डर से सारिया जथेबंदियां इकट्ठियां होणगियां ते लखीमपुर खीरी नूं रवाना होवांगे जी। जो असीं किसान अंदोलन टाइम में जिहड़े धरना देखे से की ओही माहौल सानूं दोबारा देखण नूं? बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल, जो सिंघू बॉर्डर टिकरी बॉर्डर जिन्हें भी बॉर्डर से दिल्ली के तुसीं पिछले समय च माहौल देखा सेम माहौल दोबारा दोहराया जाऊगा, और घट्टो घट 3 दिन का साडा उत्थे धरना मोर्चा लगेगा। तो जिन्ना टाइम साढ़े उत्थे दे वीर जो अंदर निर्दोषे किसान वीर अंदर जेलों च डक्या उन्होंने नहीं छड़दे उन्ना टाइम असी नहीं आवांगे। गल की जाए एक पासे केंद्र नाल भी लड़ाई चल रही, दूजे पासे जिहड़ी राज्य सरकार उन्हां भी चल रही है जी, तो की कहना चाहोगे कि आम आदमी पार्टी सरकार जिहड़ी दिल्ली तुहाडे धरने ते आके बैठी सी ते अज इहनां करके तुहानूं इत्थे आके बहना पै रहा? नहीं देखो आपां इह नहीं कह सकते भी दिल्ली धरने ते आम आदमी बैठी सी, साडा दिल्ली का धरना भी ताइयों कामयाब होया सी, कोई भी सियासी आगू उत्थे बन नहीं दिता, सियासी आगूआं नाल कोई स्टेज नहीं सांझी कीती, सिर्फ किसानां दी स्टेज सी, किसानां ने मोर्चा लाया, किसानां ने ही जितया। रही गल राज दी, तुहानूं पता है रंग बदलदे ने, इन्हां दा खून भी इक्को जिहा है, रंग बदलदे ने, जिहो जिहा शक्तिमान सी उही गंगाधर सी, मैं तां इह कहूँगा जो शक्तिमान सी उही गंगाधर सी, ना बदलाव ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ 4 ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਔਰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਔਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ 3 ਦਿਨ ਦਾ 18, 19 ਤੇ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, वो भाग लैण लई भारतीय किसान यूनियन दुआबा का जिहड़ा काफला 15-20 मिनट तक इत्थों फगवाड़े तो रवाना होएगा। साढ़े जिहड़े आनंदपुर साहब सर्कल ते जिहड़ा समराला सर्कल वो जिहड़े साथी ने ट्रेन राही पहुँच रहे हैं, कुछ साथी अपनियां कारां राही पहुँच रहे हैं। फगवाड़े तो जिहड़ा काफला रवाना होण लगा वो 15-20 मिनट तक वो शंभू बार्डर तो पंजाब के बाकी किसान आगूआं नाल मिल के अज लखीमपुर खीरी पहुँचेगा, तो एक बुलंद आवाज़ जिहड़ी आ लखीमपुर खीरी तो पीड़ितों नूं इंसाफ दिवाउण लई
ਤੇ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਚਾ ਕੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਮਾਰਨਗੀਆਂ ਜਾ ਕੇ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰਵੱਈਆ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਕਸ ਆ ਉਹ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਦ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਆ ਉਹਦੀ ਇਸ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਆ, ਉਹ 120 ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਫੌਰਨ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ, ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।